अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से, खैरियत से। असल में मैंने कल डाली थी एक वीडियो। वैसे तो मैं आज एक बात बता दूं कि मैं बाय प्रूफ एक और लेकर आई हूँ। आज से मेरा समझ लें वीडियो आना शुरू हो गई है, बाय प्रूफ जो मैंने कहा था कि मैं क्लियर करूँगी। तो लेकिन पहले मैं थोड़ा सा सवालों के जवाब देना चाहती हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करूँगी। एक मैंने कल वीडियो डाली मुफ्ती साहब की, ठीक है। उस पर एक सवाल सबसे पहले ये आया था कि आप जो हैं सितारा, क्या वाकई में गलत थी जो आप मुफ्ती साहब के पास पहुँच गई? तो मैं उनको ये बोलूँगी कि भाई ज़रा गौर से वीडियो देखा करें। वैसे जितने भी लोग हैं सबके लिए यही है पैगाम कि भाई गौर से वीडियो देखा करें मेरी। और मैंने सिर्फ सितारा के लिए नहीं, सब के लिए, नौशीन जो हैं उनके लिए, मरियम जो भी हैं जितने से हैं, बल्कि पाकिस्तान की भी जितनी लेडीज़ हैं जिनके साथ गलत होता है, उन सब के लिए है ये, ठीक है। कि आप गलत इतना नहीं किसी पर इल्ज़ाम लगाएं। और दूसरा ये उस पर मैंने ये भी कहा है कि भाई जो मुफ्ती साहब का सही तरह से आप सुने मैसेज, कि अगर कोई जैसे कि अगर कोई बेगुनाह भी है, वैसे इस पर भी मैं वीडियो डालूंगी क्योंकि सितारा बेगुनाह है, आप लोग गुनाहगार होंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो इस चीज़ को, मसले को उछालता भी है तो खशा ये होता है कि वो उस गुनाह में पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक औरत जो है पिंकी नाम का, मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि बहुत समझ लें अपने आप को, उछल उछल के आ रही है, पता नहीं वो क्या बताना चाह रही हैं कि मैं सलमा की बहुत बड़ी वो हूँ, सपोर्टर हूँ, बारह मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या हैं। लेकिन उनके बड़े घटिया सवाल है तो जाहिल मुझे लग रही है ज़्यादातर, कि जो पढ़े लिखे आदमी इस तरह की बात नहीं करता। वो ये कह रही हैं, पहली बात तो ये है कि उनका ये है कि अगर जब ख़त्म हो गया तो आप क्यों कर रही हैं, अब तो वाकई ख़त्म, किसने ख़त्म किया है? बीबी शुरुआत ही सलमा ने की है, सितारा ने तो की नहीं है, सलमा जो है उन्होंने शुरू किया है, अब हम इसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि यहाँ जो है आप लोगों की मर्ज़ी नहीं चलती, आपका राज नहीं चल रहा है कि जब मर्ज़ी आए किसी औरत को ठीक ठाक जलील करके चले गए और बाद में अल्लाह का नाम लेके कि भाई हमने ख़त्म कर दिया है, तो ऐसा नहीं चल रहा है भाई। अपनी मर्ज़ी से आए शुरू, अपनी मर्ज़ी से आए ख़त्म कर दिए, तो हम आपके पीछे पीछे, आपने बोला तो हम मान लें, आपने जो बोला हम वही करें। तो आप जो है ना इस मामले से पीछे रहें, अगर बोल रही है ना तो अपने लोगों में जाके बोलें। मेरे चैनल पे आप जैसे लोगों का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मैंने दुनिया में क्लियर करना है जो आपकी सलमा ने करी है ना, गंद फैलाई है, उसको क्लियर करना है। दूसरा ये सलमा बाजी ने जो आज डाला है ना मस्जिद नबी का, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और मैं उसके पर भी वीडियो डालूँगी। दूसरा ये काफ़ी एक मैसेज ये आया था कि सितारा का आज व्लॉग नहीं आया है, आप पूछें क्या वजह है। सितारा का जो व्लॉग इसलिए नहीं आया है कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो कीचड़ उछालिए तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में गई है, क्यों भाई इंसान है भाई, आप लोगों ने उसको पूरा तो खोल के रख दिया कि वो डिप्रेशन में भी नहीं जाए। यहाँ सही और गलत की बात नहीं है, यह इंसानियत की बात है। क्या वो ज़रा सी देर परेशान भी नहीं हो सकती है? वो सलमा की तरह थोड़ी है कि वो जो है वो तो एक मैसेज बर्दाश्त नहीं करती है, उनका तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आता है, वो इतना बर्दाश्त कर रही है। वो आगे की जितनी भी वीडियोस है उसमें यूट्यूब के ज़रिए भी मैं क्लियर करूँगी और दूसरे तरीके से भी क्लियर वो होगी, सितारा कम्प्लीट क्लियर होगी, फिर ये मामला ख़त्म होगा और बहुत जल्द ख़त्म होगा इंशाल्लाह। मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी। चलिए आज जो मैंने वीडियो अपलोड करने का मकसद था वो उस पर बात करते हैं। बात ये है कि क्राउन होटल से स्टार्ट हुआ था सितारे के ऊपर जो कीचड़ उछाली गई थी। एक औरत जो है वो बहुत उछल उछल के बात कर रही थी, क्राउन होटल पहुंच गई, वो मेहरान होटल पहुंच गई, खाना खाकर आ रही, इतने मज़े लेकर एक औरत की इज्जत उछाल रही है, इतने मज़े लेकर, वैसे बड़ी बातें करती हैं वो इस्लाम की। तो क्राउन होटल की मैं सच्चाई आपको आज बता रही हूँ। मैं आगे कार्ड लगाना है ना होटल का, कुछ तस्वीरें डाला मैं भी डाल देती हूँ, असल बात जो वहाँ के लोग कह रहे हैं मैं अब वो बताती हूँ। मैंने देखे, मैं तो खुद जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं टीम वर्क करती हूँ, मेरे टीम में है कुछ लोग, तो मैंने पूरा वर्क किया है और मेरे लिए मुश्किल नहीं है वहाँ की फ़ुटेज निकालना, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ हर जगह वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसको भी फॉलो करना होता है। एक लेडी आई थी, उन्होंने हमारे होटल को बहुत बदनाम किया है और बहुत ज़्यादा गलत बातें करी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया है, और ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा था उनसे,
ऐसा कुछ भी हमने उनको फुटेज या ऐसा कुछ भी हमने उनसे बात नहीं की है। हमारा होटल कब से है यहाँ पर, लेकिन हमारा रूल्स भी नहीं है यहाँ पर ऐसे। अच्छा, ये तो छोटा होटल है, मेहरान होटल जो है बहुत बड़ा है, आप तो वहाँ खड़े होकर इस तरह की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ का भी यही आया है कि अगर ऐसा किसी ने बोला है तो गलत बोला है। हमारे यहाँ रूल्स ऐसे है ही नहीं कि कोई आए और बाकी हज़ारों लोग आते, खाना खा के जाएंगे, कमरेज विज़िट करते हैं, अब वो कुछ भी बात कर सकते हैं, ये तो वो गलत हैं। तो ये बताइए, यहाँ से सितारा का क्या प्रूफ सामने आ रहा है कि सितारा गलत है? मुझे सिर्फ ये बात बता दीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हेटर्स और सपोर्टर हैं, आप मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि कौन सा होटल है जो हर कोई उठाई गिरा चला गया बग़ैर कानून के, बग़ैर उसके कोर्ट के नोटिस के, बग़ैर जाके वो फुटेज उनको दे देंगे? ये कौन से लोगों की, ये कोई ढाबा है क्या, होटल है वो? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये क्लियर मुझे करना था, क्योंकि गंद यहीं से फैली थी। मैंने अपना आज पहला व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया है सितारा को क्लियर करने को, और अल्लाह का शुक्र है ये सितारा यहाँ से क्लियर हो चुकी है। जिसको क्लियर नहीं करना, जिसको गंद रखनी है ना, जिनको मज़े आ रहे वो मज़े लेते रहें, लेकिन मैंने वीडियो डाली थी, मैंने डाल दिए, ठीक है। बाकी इन लोगों की जहन जिनके ख़राब है, वो जहनीत ख़राब ही रहेगी। और पहली बात है, मैंने आपको बोल चुकी हूँ कि ऐसे कोई ढाबा नहीं है, वो होटल है, ठीक है। ऐसे कोई किसी को भी सबूत नहीं देता है। दूसरा, ये एक और सवाल उठ रहा था, वरना मैंने सोचा था मैं दूसरे व्लॉग में ये डाल दूँ, उसके साथ कुछ और भी मुझे ऐड करना था, लेकिन चले मैं इसी में बता दूँ कि एक चीज़ आ रही थी कि मुस्तफ़ा के स्कूल को लेकर, कि वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा है, एक इतने कॉन्फिडेंस से वो औरत बोलती है, हालांकि उसको कुछ नहीं पता कि वहाँ के प्रिंसिपल कह रही हैं कि हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, जहाँ मुस्तफ़ा से इतने बच्चे होंगे, हम यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से हटा दें तो तैयबा का भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। तो भाई खुदा के लिए आप अपना मुंह बंद करिए, अब कोई भी बात हो तो सोच समझ के वीडियो डालेगा, सोच समझ के बोलिएगा, हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुस्तफ़ा स्कूल जा रहा है, ठीक है। तैयबा जो है उसका भी एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हर चीज़ बता कि इतने घटिया लोग हैं ये लोग, कि जिस जगह से क्या खा रहे हैं, क्या खाना कह रहे हैं, कि इस तरह तो ऐसा लग रहा है कि राशन पानी भी बंद कर देंगे, कि पानी बंद कर दिया इनका, इनके ऊपर खाना भी बंद कर दिया है। पता नहीं कौन से दौर में ये लोग रह रहे हैं, क्या अंधा कानून भी नहीं है ऐसा। और ये दो तीन चीज़ें जहाँ से गंद फैली थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसने क्लियर नहीं करना है वो ऐसे ही रहेगा। दूसरा, ये बेबो आंटी के ऊपर भी मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, जाओ आज इन्होंने वीडियो डाली है, वो आंटी हो गई और इस जैसे जो भी है, तो उसके लिए यही आप लोगों के लिए बस यही मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज़ वेट करें, सब कुछ होगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें बस, इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करना चाह रही। अच्छा, दूसरा ये होटल का मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो अगर कोई ये कहना कि असगर पहुँच गया था, असगर के पास कार्ड निकला था, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखें, असगर भाई आए होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो होटल में ठहरे होंगे, सब कुछ है, कोई चलो हम नहीं वो कर, ज़रूरी है कि वो सितारे से ही मिलने गए, ये कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ किसी ने भी साबित नहीं किया, 100% कोई शेयर नहीं कि सितारा ही मिली है जाकर वहाँ पर। जिसने भी बोला है ना कि वो छोड़ने में गया था तो वो यूँ करने गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, असगर आए होंगे और बाकायदा इन लोगों की प्लानिंग है। ये भी बताऊँगी कि असगर और सलमा जो है वो मिले हुए हैं या नहीं है, ये बाकायदा पूरी प्री प्लान जो है काम हुआ है कि वो काफ़ी टाइम के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ आप देखें ना, बेवकूफ़ी के असगर आते हैं यहाँ, इसको ठहरते हैं, और प्रूफ कौन दे रहा है, नैना और शाहरुख, इसके अलावा कोई चौथा बंदा आता नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ सितारे के उस पर, तो दिलबर जो हैं ज़्यादा इनका बहुत अच्छा है, वो है कि बड़ा सोच समझ के बात करते हैं और सब, तो सितारे जो है उनसे मशवरा करती हैं हर चीज़ का ज़्यादातर। तो दूसरा ये कि है, वो असगर आए हैं और कार्ड ले गए, उनकी बेगम को कार्ड भी नज़र आ गया, आप ये देखें, अगर वो आए हैं, अगर वो वाकई में अपने आप को छुपाना चाहते हैं, एक इंसान जब गुनाह करता है, कुछ करता है, तो वो अपने आप को छुपाएगा ना, वो कार्ड लेकर क्यों गए, पहली बात तो ये है, वो कार्ड लेकर गए क्यों है, उनको किसी को दिखाना था क्या, उनको दिखाना, वो जो कोई कहीं जाता है तो वो कार्ड थोड़ी लेगा, हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो हमें कार्ड इसलिए लेना होता है कि भाई ये हमें दुकान भूल ना जाए, तो ये तो होटल है, होटल कौन भूलेगा, और कार्ड उनको मिल भी गया, कुछ सोचा करें ना आप लोग भी, सवाल उठाने से पहले कुछ सोचा करें,
पॉइंट को नोट किया करें। और दूसरा ये कि बस मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं क्लियर कर दिया आप लोगों को, और इंशाल्लाह आगे की वीडियो मेरी देखेगा। और वाईटी का जो है जो गंद इन्होंने फैलाई उसको तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और बाकी भी काम इंशाल्लाह होंगे आपके सामने, एक के बाद एक चीज़ आती रहेगी, और इंशाल्लाह सितारा का भी व्लॉग आएगा। जो हमसे कह रहे हैं ना कि केस ख़त्म करो, तो केस तुम लोग ख़त्म करो, तुम्हारी मर्ज़ी होगी लेकिन हम नहीं करेंगे। हमने अपने सपोर्टी बहन होने का जब मैंने उनको बोला है ना, तो मैं उनको क्लियर करके ही मामला ख़त्म करूँगी। तो चलें, अब मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे और भी काम करना है सितारे के उस पर, तो मैं अब रोज़ आने के बेस पर अब वीडियो लाती रहूँगी, सिर्फ अपनी बातें बताऊँगी जो मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब के केस का, जो है जो जो होता जाएगा ना कम्प्लीट में वो बताऊँगी, पहले से मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सितारा का जो है वो लोग आएगा इंशाल्लाह, कल से आएगा या परसों से आएगा, जो भी है आना शुरू हो जाएगा। तो जी अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लगी। चलें मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।